नमस्कार दोस्तों, मधुरास्ता कंपनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगरबत्ती पे खुशबू चढ़ने के बाद उसकी टेस्टिंग हमें किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसकी टेस्टिंग गलत तरीके से करते हैं। उन्हें नहीं पता चलता कि हम जो परफ्यूम खरीद के लेके आए हैं एक्चुअली उसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि दोस्तों सबसे डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए आपने 1000 रुपये पर किलो की परफ्यूम ख़रीदा, तो आपको पता होना चाहिए कि यार उसकी खुशबू किस तरह से की है और उसकी क्वालिटी कैसी है। आज मैं आपको टेस्टिंग करने का तरीका बताऊंगा। आसानी से उसकी क्वालिटी का पता लगा पाएंगे कि एक्चुअली अच्छी खुशबू है नहीं है, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि पहली बात मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी क्वालिटी को किस तरह से हमें चेक करना चाहिए, ज़्यादातर लोग किस तरह से इसकी टेस्टिंग करते हैं, सबसे बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, मैं अभी लाइव आपको दिखाऊंगा, जब ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इसकी खुशबू को हमें किस तरह से टेस्टिंग करना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन और करना चाहूँगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम मोबाइल नंबर जरूर टाइप कर दीजिए और आपके जो क्वेश्चन है ना वो भी आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन नंबर और मोबाइल नंबर जरूर टाइप कर दीजिए, जिससे कि हम फ्री ट्रेनिंग के लिए भी 5 लोगों को सेलेक्ट कर सकें और अपने बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकें, वो भी सीख कर। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ इसकी खुशबू को। पहले नंबर पर एक तरीका और लास्ट में बताने वाला हूँ, आप वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको पता चलेगा जो हम परफ्यूम खरीद के लेके आ रहे हैं उसकी क्वालिटी को हमें किस तरह से टेस्टिंग करना है। दोस्तों सिंपल तरीके से इसको टेस्टिंग करने से आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली इसकी खुशबू क्या है। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊँगा कि आपको पता चलेगा इसकी टेस्टिंग हमें किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी मैं एक बार इनको जला के दिखाता हूँ, जब ही आपको पता चलेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कुछ ना कुछ सीख के स्टार्ट करें अपने बिजनेस को और इन चीज़ों को आप नोट डाउन ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अभी हमने इसको मतलब कि अगरबत्ती को जला के और इनको इस तरह से भुजा दिया है। अब हमें टेस्टिंग किस तरह से करनी है, अधिकांश लोग 90% लोग जो अगरबत्ती का काम भी स्टार्ट कर रखे हैं ना, उन्होंने की टेस्टिंग करने का तरीका क्या है, डायरेक्ट इसको इस तरह से। दोस्तों ऐसे पता नहीं चलेगा इसकी खुशबू का, आप एक्चुअली इसके नाक के पास में इस प्रकार से लेके रखेंगे ना तो क्या है, इसकी धुआँ सीधी जाएगी तो आप इसकी खुशबू को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इसको टेस्टिंग हमें किस तरह से करना है, सबसे पहली बात होती है कि जैसे कि अभी दोस्तों पंखा चल रहा है, मैं एक बार फ़ैन को बंद कर देता हूँ तभी आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों डायरेक्ट आप दोगे ना तो आपके सीधे नाक में जाएगी और आपको महसूस नहीं हो पाएगा, इसकी खुशबू को आप परख नहीं पाएंगे कि एक्चुअली इसकी खुशबू किस तरह से टेस्टिंग करना था और एक्चुअली इसकी खुशबू कैसी है। अब आपको टेस्टिंग करने के लिए क्या करना है दोस्तों, एक बार इस प्रकार से थोड़ी अगरबत्ती को इस साइड में लेके आइए या इस साइड में लेके आइए। ठीक है, अब जैसे कि आपने इस तरह से लेके आए, इधर ऐसे घुमाते हुए लेना है और इसको थोड़ा सूंघना है दोस्तों आपको। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल भी हम करते हैं। वाह, अब पता चलेगा दोस्तों डायरेक्ट सीधे नाक के पास में नहीं रखना है इसको, एक बार हल्का सा इसके धुआं को छोड़िए और फिर सूंघिए दोस्तों, आपको एक्चुअली इसकी खुशबू का महसूस होगा कि एक्चुअली इसमें खुशबू कैसी है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब तक मैं आपको डायरेक्ट इस प्रकार से भी बताता तो आपको नहीं पता चलता। ठीक है, अभी एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से आपको इधर से नाक की तरफ से लेके जाना है, इसकी जो धुआं है ना इसकी इसको महसूस करना है, इसको सूंघना है, एक्चुअली तभी ही पता चलेगा हमारे को। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इसको नाक के पास में लेके नहीं पता चलेगा दोस्तों, आपको इस तरह से जैसे कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्चुअली तभी ही पता चलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा तरीका बताता हूँ इसकी टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना है। अभी मैं इसको साइड में रख देता हूँ दोस्तों।
दोस्तों पहले नंबर की बात होती है कि हमने इस तरह से खुशबू चेक किया, हमें पसंद आया। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस आपकी खुशबू को, आपको क्या पसंद है उससे कोई मतलब नहीं है, पहले नंबर की बात है। मेन चीज़ हमें ध्यान देना है कि कंज्यूमर को क्या पसंद है उस पर फोकस करना है। दोस्तों आपको समझ रहे हो मेरी बात को? दोस्तों हमें क्या पसंद है उससे मतलब नहीं है अगरबत्ती बिजनेस में, कंज्यूमर को क्या पसंद है उस पर फोकस करना है अपन को। लोगों को उसकी खुशबू कैसी लग रही है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो अगरबत्ती है वो सीधा कंज्यूमर पे जाएगी और कंज्यूमर को पसंद आएगा तो हमारा बिजनेस अच्छा चल पाएगा। हमें पसंद है उससे मतलब नहीं है, समझ पा रहे हो? दोस्तों सबसे पहली बात है कि आपको ये सारी हिडन जानकारी कोई बताने वाला नहीं है। आप हमारी वीडियो से आप सीखिए, नोट डाउन करिए और अप्लाई करिए दोस्तों, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और कोई भी आपको दिक्कत आती है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। मुझे पता है मैं कमेंट का उत्तर नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों आपके कमेंट को फाड़ के उस पर वीडियो बनाने की। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपने 1000 रुपये पर किलो की परफ्यूम खरीदी, या आपने 1500 रुपये पर किलो की परफ्यूम खरीदी, गुलाब की खरीदी या चंदन की खरीदी या मोगरा की खरीदी, जो भी आप खरीद रहे हो ठीक है, लिया है आपने, उसके बाद आपने खुशबू चढ़ाया। दोस्तों सबसे पहली बात होती है कि आप जो खुशबू चढ़ाने का जो तरीका है ना, वो भी उस पर डिपेंड करता है। दोस्तों आपको पता है तो आप एक्चुअली अच्छी खुशबू चढ़ाइए, अगर आपको नहीं पता है ना तो कहीं से भी आप सीखिए एक्चुअली खुशबू चढ़ाइए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की दिक्कत यही है कि जैसे कि मान लो आपने 1000 रुपये पर किलो की परफ्यूम खरीदी, परफ्यूम खरीदने के बाद आपने अगरबत्ती पर चढ़ा दिया, लेकिन उसमें जो खुशबू थी 1000 रुपये पर किलो की में, वो पूरी सेट नहीं होती है, आधे से ज़्यादा खुशबू अगर ख़राब हो रही है तो रिजल्ट तो वह आएगा ही नहीं, पहली बात है। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है जितनी उसमें खुशबू है भाई वो तो पूरी सेट हो। दूसरे नंबर पे अपन ने जैसे कि जो जैसे गुलाब की खुशबू आपने मंगवाई, तो उसकी सबसे पहले टेस्टिंग करना है, इतनी अगरबत्ती की टेस्टिंग करना है। जैसे आपने 10 या 20 या 50 स्टिक पे आपको उसकी खुशबू चढ़ाना है, 50 से ज़्यादा मत चढ़ाइए आप, 50 मान लीजिए। ठीक है, 50 अगरबत्तियों पर आपने चढ़ाया, तो चढ़ाने के बाद में आपको क्या करना है कि आपके मोहल्ले में जैसे कि 20 मकान है या 50 मकान है, उन सबको दो दो अगरबत्ती दीजिए आप। देने के बाद में और उनको बोलिए कि सर इवनिंग में, जैसे कि इवनिंग में ही जलाएं इस अगरबत्तियों को, क्योंकि मॉर्निंग में जलाने के बाद दिक्कत यहाँ पे आएगी, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे वहाँ पर और हमें देखना है कि पूरे परिवार को कैसी खुशबू लग रही है। तो इवनिंग में रहेंगे तो सभी इकट्ठा रहेंगे, तो उस टाइम लगेगी तो अगरबत्ती का पूरे हर आदमी को उसके खुशबू का एहसास होगा, बात चलेगी। ठीक है, तो आप इवनिंग में सब हर घर में दीजिए आप दो दो अगरबत्ती, और उनको बोलिए कि सर सुबह मॉर्निंग में हमें बताएं उसकी खुशबू आपको कैसी लगी, आपके परिवार को कैसी लगी। तो उसके बाद में आपको देखना है, जैसे आपने 50 लोगों को दो दो अगरबत्ती दी थी, उसमें से 25 लोग अगर बोलते हैं कि सर खुशबू अच्छी थी, तो आप उस खुशबू को अप्लाई करिए दोस्तों। चाहे आपको पसंद ना हो, लेकिन आप उस खुशबू को अप्लाई करिए और देखिए आपका बिजनेस किस तरह से ग्रो करता है। दूसरे नंबर पे अगर उसमें से बोलते हैं कि 30% लोग बोला, 30 लोगों ने बोला कि सर खुशबू मज़ा नहीं आया, तो आप फूल के भी उस खुशबू को मत उतारिए, नहीं तो आपको बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे, पहली बात है। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को, इस तरह से आपको टेस्टिंग करना है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से आपका 1 भी रुपया कटने वाला नहीं है, लेकिन कुछ सीख के आप इस वीडियो इस चैनल से जाएंगे। और आपका जो भी अगर कोई दिक्कत आ रही है अगरबत्ती बिजनेस में, आप नीचे कमेंट में ज़रूर टाइप करिए। और आप चाहते हैं कि आप अगरबत्ती की बिजनेस के अलावा भी कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, जिससे कि मैं उस बिजनेस की पूरी जानकारी आप तक इकट्ठा करके दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। It's empty again, better fill it up before I go. 'Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it, see what I see in it. I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, with it, flow with it, let it all go.